ओम शांति। आज 29 सितंबर 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 3 फरवरी 2002। आज के अव्यक्त महावाक्य बहुत ही विशेष हैं, जिसमें बाबा ने सर्व खजाने जमा करने की बात कही है। हम सभी जानते हैं कि हम सबको संगम पर ज्ञान का खजाना मिलता है, गुणों का खजाना मिलता है, शक्तियों का खजाना मिलता है, सेवा के द्वारा दुआओं का खजाना मिलता है। आज खजानों के मालिक बाप दादा सब बच्चों के खजाने देख रहे थे। जो आत्मा सर्व खजानों से संपन्न है, उसकी निशानी वो सदा तृप्त, सदा खुश, प्राप्ति संपन्न होती है। ज्ञान का खजाना ऐसा खजाना है जिससे संगम पर आप मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। चेक करो ज्ञान का खजाना कितना जमा किया है। अगर कमी है तो उसको अभी भर सकते हो। ये खजाने अभी भी साथ रहते हैं और भविष्य में भी। जीवन में रहते, दुनिया में रहते, जिम्मेवारी निभाते हुए भी आप अपने आप को बंधनों से मुक्त अनुभव करते हैं, व्यर्थ से मुक्त अनुभव करते हैं। चेक करो ऐसी मुक्ति का अनुभव होता है। अगर नहीं होता है, अभी इस खजाने को जमा करो। योग के द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करते हो। योग के द्वारा एक समय में अनुभव करते हो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जितना चाहे अपने में शक्तियाँ भर सकते हो। चेक करो ऐसे खजाने को हमने जमा किया है। अगर कमी है तो अभी भर सकते हो। जरा भी अलबेलापन ना हो। ऐसा नहीं कि हो जाएगा, देख लेंगे। ऐसे धारणाओं का खजाना है। धारणाओं के खजाने से आप गुण संपन्न बन जाते हो। सेवा के खजाने से, यथार्थ सेवा से आप खुशी अनुभव करते हो। अगर सेवा करते हुए खुशी का अनुभव नहीं होता है, इसका मतलब यथार्थ सेवा नहीं की है। मन, वाणी और कर्म से यथार्थ सेवा, मनसा सेवा द्वारा, वाचा सेवा द्वारा, कर्मणा सेवा द्वारा आप जमा का खाता बढ़ाते हो। ऐसे ही संबंध संपर्क द्वारा दुआओं का खाता, दुआओं का खजाना जमा करते हो। जब आप एक दो के संपर्क में आते हो तो अनुभव करते हो डबल लाइट स्थिति का। एक दो से दुआएं प्राप्त करते हो। कोई सोचते हैं हमारा तो बाबा से संबंध बिल्कुल ठीक है, अगर आत्माओं से नहीं भी है तो कोई बात नहीं। बाबा ने कहा आप जब सत्योगी राज्य में होंगे तो आप अकेले नहीं होंगे, पूरी राजधानी होगी। तो ये भी एक अमूल्य खजाना है। संबंध संपर्क में आते दुआओं का खजाना जमा करो। ये संबंध संपर्क भी यथार्थ होना चाहिए। डबल लाइट स्थिति का अनुभव स्वयं भी करें, दूसरों को भी कराएं। बाप दादा सब बच्चों को अंडरलाइन करा रहे हैं कि इन सभी खजानों को यथार्थ रीति चेक करो और जितना चाहे उतना जमा कर सकते हो। चलते चलते देहाभिमान आ जाता है, मैंपन आ जाता है। जितनी बार मैं शब्द कहते हो उतनी बार मैं निराकार आत्मा हूँ ये अनुभव करो। निराकारी स्थिति से आप निर्विकारी, निरंकारी बन जाएंगे। इनका संबंध है निराकारी से निर्विकारी और निरंकारी बन जाएंगे। यूथ ग्रुप बाबा के सामने था। बाबा ने कहा खुश रहना, आबाद रहना, खजानों को जमा करते रहना। यूथ के लिए क्या कहते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। इस समय आप जितना चाहे अपने में शक्तियां भर सकते हो। दृढ़ संकल्पधारी बनना,
जिद्दी नहीं, दृढ़ संकल्प धारी। फिर जो संकल्प करो उसको पूरा निभाना। अमृत वेले याद करना, मैंने बाबा से प्रतिज्ञा की, फिर मैंने इसको कितना निभाया, कितना प्रैक्टिकल में लाया। लक्ष्य और लक्षण को एक समान बनाना। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त स्थिति में रहकर सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे, हर खजाने का महत्व और उसकी विधि को नोट करेंगे, चेक करेंगे, मैंने ये खजाने कितने जमा किए हैं और कितना करना बाकी है। एकाग्र होकर सुनेंगे। मुरली का सार है, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उसकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी, क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे, हमारे पास कितने खजाने जमा हैं? ये अविनाशी खजाने अभी भी प्राप्त हैं, भविष्य में भी अनेक जन्म साथ रहेंगे। ये अविनाशी खजाने अभी भी प्राप्त हैं, भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। ये खजाने खत्म नहीं होने वाले। सबसे पहला खजाना ज्ञान का खजाना, जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सब मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से मुक्त हो। ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। दुख, अशांति और चिंताओं से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो। व्यर्थ संकल्प के तूफान से मुक्त हो। है मुक्त, सभी हाथ हिला रहे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। मुक्ति, जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है? अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। ऐसे योग का खजाना, अब दूसरा खजाना शुरू हो रहा है, योग का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा हैं। सर्व, एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा देगी। आप सबका टाइटल मास्टर सर्व शक्तिवान है, शक्तिवान नहीं, सर्व शक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है या कमी है? क्यों? अभी अपने कमी को भर सकते हो, अभी चांस है, फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ, सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं फुल पास होना है या हाफ पास, सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं। चंद्रवंशी बनेंगे, बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी। इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएं, बनेंगे? नहीं बनेंगे।
सूर्यवंशी बनना है ना, बनना ही है, ये बाप दादा चिट चैट कर रहे हैं। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली, अब किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम ना हो। प्रतिज्ञा कर ली, अब किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम ना हो। अगर कहेंगे सर्कमस्टांस के अनुसार, समस्याओं के अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो 14 कला बन जाएंगे। इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मेल रजिस्टर चेक कर रहा है। बाप दादा के पास हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं समय की रफ्तार के अनुसार। अभी कब नहीं कहो, अब कभी हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, ये नहीं सोचो। होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है, होना तो है, ऐसे नहीं, करना ही है। दृढ़ता भरा संकल्प करो। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा यही चाहते हैं। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तब बाप समान सहज बन जाएंगे। चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, ये अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वो अभी से करना है। अंडरलाइन करें ये शब्द, जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, अभी से करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लगाओ अभी अभी। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है। धारणाओं से गुणों का खजाना जमा हो जाता है। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्व गुण हैं। सिर्फ गुण नहीं, सर्व गुण। तो सर्व गुण हैं, या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ? नहीं, नहीं चलेगा। सर्व गुणों का खजाना जमा है। कौन से गुण की कमी है उसको चेक करो, भरपूर करो, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमें लगता है कि मेरे में अभी धैर्यता की कमी है, मधुरता की कमी है, सरलता की कमी है, आप दिव्य गुणों की लिस्ट चेक करो, फिर उस कमी को भरो, विशेषता को, गुण को स्वयं में लाओ, भरपूर हो जाओ। चौथी बात, अब चौथा खजाना है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा या कर्म द्वारा भी सेवा करते हो, उसकी प्राप्ति, आत्मिक खुशी मिलती है। जब भी मनसा सेवा वाणी द्वारा या कर्म द्वारा सेवा करते हो, उसकी प्राप्ति, आत्मिक खुशी मिलती है। चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा की और खुशी नहीं हुई मतलब यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। चेक करो, सारा दिन सेवा की, सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार चलते रहे, ये नहीं ये, ये नहीं ये। और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े, वायुमंडल भी खुश हो जाए। आपकी सेवा का प्रभाव, खुशी का प्रभाव पहले स्वयं पर, सेवा स्थान पर, साथियों पर, सब पर पड़े, वायुमंडल ही खुश हो जाए। यह सेवा का खजाना, खुशी। और बात, चार सब्जेक्ट तो आ गई, और है संबंध संपर्क, वो भी बहुत जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार से हुआ नहीं हुआ क्या बात है, क्या हर्जा है, बीज से तो है ही, लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा, इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं।
अगर संबंध संपर्क यथार्थ है तो उससे क्या मिलता है? दुआएं। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो है ही, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, समझो संबंध संपर्क में कमी है। माँ बाप की दुआएं तो है ही, संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो होना। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा। स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट होंगे, बोझ नहीं होगा। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वो भी डबल लाइट फील करेगा, खुद भी हल्के और जिनके संबंध संपर्क में आए वो भी डबल लाइट अनुभव करेगा। ये संबंध में सीधा हल्का इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण, ऐसा इजी भी नहीं जैसे कहावत है ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती हैं, इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते अपने खजाने चेक करो, समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा, चेक करो, बढ़ते चलो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए, ये बाबा का प्यार है, हर बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देहाभिमान आ जाता, स्वमान और देहाभिमान, देहाभिमान का कारण है स्वमान में कमी हो जाती है। तो देहाभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है, देहाभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वो जानते भी हो। देहाभिमान का एक शब्द कौन सा है? मैं शब्द। अच्छा, तो कितनी बारी मैं कहते हो, सारे दिन में कितनी बारी मैं शब्द बोलते हो, कभी नोट किया? अच्छा, एक दिन नोट करना, बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन, पहला पाठ है मैं कौन। जब देहाभिमान में कहते हो लेकिन वास्तव में मैं कौन, आत्मा या देह, आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा को धारण किया, क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना, तो आत्मा ने देह धारण की तो मैं कौन? आत्मा ना। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो ये शब्द याद करो, मैं कौन सी आत्मा। आत्मा निराकार है, देह साकार है, निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की है। तो जितनी बारी मैं शब्द बोलते हो उतना समय याद करो, मैं निराकार आत्मा, मैंने साकार में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति याद रहेगी, निराकार स्थिति याद रहेगी, तो निरंकारी स्वतः ही हो जाएंगे, देहभान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ मैं कौन, ये स्मृति में रख करके कि मैं कौन सी आत्मा हूं, आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहां निराकारी स्थिति होगी वहां निरंकारी निर्विकारी हो जाएंगे। निराकारी स्थिति पक्की होगी तो स्वतः ही निरंकारी निर्विकारी हो जाएंगे। तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है, और जितना बारी मैं शब्द यूज करो उतनी बारी निराकारी निरंकारी निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। जितनी बारी निराकारी मैं शब्द यूज करते हो, निराकारी निरंकारी निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। अच्छा, आज यूथ ग्रुप आया है, यूथ बहुत है, बाप यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं, सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना, यूथ स्पेशल अंडरलाइन कर लेंगे, आबाद रहना, आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, बाप दादा कहते शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। क्यों? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है, आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो ना, क्या विशेषता होती है जानते हो, क्या विशेषता है आप में? तो उन्होंने कहा जो चाहे
वो कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हो, अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ जिद्दी बहुत होते हैं, जो सोचेंगे वो करेंगे, दिखाएंगे, वो लोग उल्टा कहते हैं। लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं। यूथ जिद्दी नहीं, अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं, हटने वाले नहीं। ऐसे हो यूथ, हाथ उठाना तो बहुत सहज है, बाप दादा खुश है हाथ उठाना, ये भी हिम्मत है। लेकिन रोज अमृत वेले बाबा से की हुई प्रतिज्ञा कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से, कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। हम सभी के लिए ये प्रतिज्ञा, हर एक को ये नोट करनी है, बाबा से की हुई ये प्रतिज्ञा कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से, कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ, बार बार चेक करो, हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वो प्रैक्टिकल में हो रहा है। गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख यूथ बन जाएं तो भी ठीक है, बाप दादा कहते ये ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान है, इतने मजबूत हैं। देखो, ऐसे नहीं घर जाके फिर लिख दो बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो, समस्याएं तो आएंगी, अपने से पूछो मैं कौन, समाधान स्वरूप हूं या समस्या से हार खाने वाला हूं, समाधान स्वरूप हूं या समस्या से हार खाने वाला हूं। आप सबका टाइटल क्या है, विजयी रतन या हार खाने वाले रतन? विजयी रतन है। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया, ब्राह्मण हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया। तो अमर भव के वरदानी हो, अभी अपने से वायदा करो, ऐसे तो वायदा कहलाएंगे सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो, कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाबा के संस्कार वो मुझात्मा के संस्कार, कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाबा के संस्कार वो मुझ ब्राह्मण आत्मा के, जो द्वापर कलयुग के संस्कार हैं वो मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं, वे तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार हैं, नहीं है ना? तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना? बाप दादा को यूथ ग्रुप पे नाज है, देखो दादियों को भी यूथ पे नाज है, दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है सुकुमार, कुमार नहीं सुकुमार, माना श्रेष्ठ कुमार। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन दिखाने वाले हैं। अच्छा, कुमारों को काम दे, हिम्मत है, करना पड़ेगा, कुमारियां करेंगी तो काम दे रहे हैं। ध्यान से सुनना, जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन भी है, ज्यादा काम नहीं देते, एक एक कुमार, 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना, हाथ में कंगन डालना पड़ता है। ब्रह्मा बाप का सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं ना, ब्रह्मा बाप को सदा हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुबन में आए फिर घर जाए तो बदल नहीं जाना, ऐसे पक्के बन के लाना, तो बाप दादा देख देख कर कहेंगे वह कुमार वाह, ऐसे तैयार है ना, करेंगे। थोड़ा सोचो, ऐसे हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स भी करेंगे, डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठाओ, तो बाप आप भी सब 10 लाएंगे ना, फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी, फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उनको इनाम देंगे, इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं, प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाएं तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे, सारा हाल कुमारों से भरेंगे, फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो ये है कुमार, लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। अगर स्थिति आपकी अच्छी है, लक्ष्य और लक्षण एक समान है, तो सफलता होगी या नहीं ये संकल्प नहीं उठ सकता, हुई पड़ी है, सिर्फ आपको निमित्त बनना होगा। ये प्रतिज्ञा
रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है। अच्छा, इतने में ही मुरली के बीच में अचानक बाप दादा के सामने दो कुमार स्टेज पर आ गए, जिन्हें हटाया गया। अच्छा, अब खेल में खेल देखा। अब बाप दादा कहते, साक्षियों के खेल देखा, एंजॉय किया। अब एक सेकंड में एकदम देह से न्यारे, पावरफुल आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। एक सेकंड में देह से न्यारे पावरफुल स्थिति में स्थित हो सकते हो, फुल स्टॉप। बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा, ये अभ्यास हर समय बीच बीच में करते रहना। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे, साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं। ऐसे ही ये भी एक अनुभव देखा, कोई भी समस्या आती है, एक सेकंड में साक्षी दृष्टा बन, समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को तोहफा समझ, पार करो। कोई भी दृश्य सामने आया उसको साइड सीन समझो, तूफान को तोहफा समझ, पार करो। अभ्यास है ना, आगे चलकर ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क नहीं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हो गया, फुल स्टॉप। और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ, समस्या नीचे रह जाएगी। आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे, अपनी ऊंची स्थिति से साइड सीन को देखते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, बाबा से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बच्चों को, लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार, नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है परिस्थितियों को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। परिस्थितियों को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। कोई भी परिस्थिति में घबराने की बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों की अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। एक सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ भी नहीं, फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना सब कुछ बाप हवाले कर दिया। मैं ट्रस्टी हूं अर्थात सब कुछ बाप हवाले कर दिया, जो होगा वो अच्छा होगा। इस स्मृति से निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो, जो होगा अच्छा होगा, इस स्मृति से निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वो भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। जिनका मिजाज मीठा है वो भूल से भी कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। आज हम सब बाबा से वायदा करेंगे, मुझे भी आपके जैसा बनना ही है, सर्व खजानों से संपन्न मैं भरपूर आत्मा हूं। ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणाओं का खजाना, सेवाओं का खजाना, यथार्थ संबंध संपर्क से सबकी दुआएं और आशीर्वाद का खजाना, इन सब से मैं भरपूर हूं। गहराई से चेक करें, बाबा ने मुझे तृप्त, संतुष्ट, खुश बनाया है।
मैं खजानों से संपन्न खिला हुआ रूहानी गुलाब हूं, डबल लाइट हूं। जैसे बाबा गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, मैं बाप समान बाबा से वायदा करें, मुझे भी आप जैसा निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनना है। जब भी मैं शब्द आता है, याद करेंगे मैं निराकार आत्मा हूं, निराकारी देश से आई हूं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, अपने को भरपूर करते जाएं। मैं बाप समान संपन्न आत्मा। ओम शांति। अक्सर बाबा साकार मुरलियों में कुछ कहानियों का जिक्र करते हैं, उनमें से एक है अल्लाह अवलदीन की कहानी। अभी पीछे 23 सितंबर 2024 की मुरली में ही बाबा ने कहा था कि अल्लाह अवलदीन का खेल दिखाते हैं ना, कि ठगा करने से खजाना निकल आया। इस कहानी का क्या रहस्य है, इसे जानने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक।